टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। आपको बता दें, किन्नर अखाड़े के देवतत्व यात्रा पेशवाई धूमधाम से निकाली। यह यात्रा कालवीन अस्पताल के बजाय राजभवन चौराहे से शुरू हुई। किन्नर अखाड़े ने देवतत्व यात्रा के स्थान में यह परिवर्तन जिला प्रशासन और पुलिस अफसरों के आग्रह पर हुआ था। रामभवन चौराहे से शुरू हुई यात्रा, इसमें बड़ी संख्या में देश के कोने कोने और विदेश के किन्नर अखाड़े के सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिष्य शामिल हुए। समाज इनको तिरछी नज़र से देखता है, आज उनके दर्शन को पूरा संगम नगरी प्रयागराज उमड़ा। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में सभी साधु संत अपनी अपनी पेशवाई शहर से निकलकर महाकुंभ क्षेत्र में लगे अपने अपने अखाड़ों में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं आज किन्नर अखाड़ा भी बड़ी शान से प्रयागराज के बहादुरगंज रामभवन चौराहे से निकाला गया। महाकुंभ 2019 में पहली बार किन्नर अखाड़ा अपनी पेशवाई निकालकर ये दिखा दिया कि किन्नर भी किसी से कम नहीं। इन्हीं किन्नरों को समाज तिरछी नज़र से देखता है, लेकिन आज इस पेशवाई में निकाले महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और साथ ही किन्नरों के पैरों को छूकर आशीर्वाद दिया और बड़े ही खुशी खुशी बच्चों और बड़ों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इस पेशवाई में सबसे आगे बैंड पार्टी, जिसमें बैंड के लोग नाचते गाते चल रहे हैं। उनके पीछे ऊंट पर सवार किन्नरों के मुखिया और किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हाथों में तलवार लेकर पेशवाई की शोभा बढ़ाई। उनके पीछे घोड़ों पर सवार किन्नरों ने भी पूरे रास्ते लोगों को उद्धार करते नजर आए। कितनों ने किन्नरों के पैरों को अपने माथे से छुआ और उसी सद्भावना से किन्नरों ने मुस्कुराकर उन्हें सदा सुख रहने का आशीर्वाद दिया। और सबसे पीछे रथों पर सवार किन्नरों ने सभी के मन को मोह लिया। लोग अपने अपने बच्चों को उनके गोद में रखकर उज्जवल भविष्य की कामना मांगी। उनका आशीर्वाद ही बहुत है। कहा जाता है कि अगर ये किसी को भी खुश होकर आशीर्वाद दे दिया तो उनका जीवन सफल हो जाता है।
तीर्थ राज प्रयाग में शुरू हो रहे आस्था के मेले में जहां एक तरफ अखाड़ों की पेशवाई के निकलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, वहीं पहली बार किन्ना अखाड़े की पेशवाई शहर के राम भवन चौराहे से पूरी सज धज और बैंड बाजों के बीच निकाली गई। किन्नरों को इस पेशवाई में देश भर के सैकड़ों किन्नरों ने चांदी के हौदे पर सवार हो कर सड़कों किनारे खड़े भक्तों को अपना आशीर्वाद देकर हर हर महादेव के जयकारे ला गए। इस दौरान किन्ना अखाड़े के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा करने और हिंदू समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से इस ऐतिहासिक पेशवाई का आयोजन किन्ना अखाड़े के द्वारा किया गया है और आज हम सभी लोग संगम पर लगने वाले कुंभ मेले में प्रवेश कर जाप तप साधना और सभी शाही स्नान करेंगे। शहर के पुराने इलाके से निकली किन्नरों की पेशवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किया गया था।
इनर अखाड़े की पेशवाई, हम तो शब्द पेशवाई नहीं यूज़ करते, हमारी किन्नर उपदेवताओं की श्रेणी में आते हैं, हमारी देवत्व यात्रा रहेगी। जितनी भी कलाएं, चाहे वो सोहर हो, चाहे वो पारंपरिक गीत हो, चाहे वो परंपराएं जैसे शिव शक्ति हो, चाहे जोगताज हो, चाहे आराधी हो, जोगप्पा हो, ये सब बहुत सारे सब ग्रुप्स है किन्नरों में, जिसको संजो के लेके चलना है। और किन्नर अखाड़ा तो आदि शंकराचार्य प्रभु का जो बेसिक जो उन्होंने हमारे सनातन धर्म को कहा है, अहम ब्रह्मास्मि तथागत। तो मेरे अखाड़े में सिर्फ किन्नर नहीं है, हमारे अखाड़े में औरतें भी हैं, हमारे अखाड़े में मर्द भी हैं, और सबके अलग अलग स्थान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब